अरे गोली बेटा, कपड़े पहन लो और घर चलो। बालक, हमारा कोई घर नहीं है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम ये सब? तब अंदर गए, अंदर क्या कैसे? अरे बेटा क्या हो, ये क्या लेकर आया? ये क्या है बेटा, तुम हमको घर से निकाल रहे हो? इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? बालक, इसमें हमारे कपड़े हैं। अच्छा, अरे पर तुम्हारे कपड़े हमको कैसे होंगे? अगर फेंक नहीं है तो कम से कम हमारे कपड़े फेंको बेटा। ये क्या, ये सचमुच हमारे कपड़े लेने गया क्या? टप्पू, मेरी लाल रंग की बांधनी खास फेंकना। क्या है, किसी अच्छे प्रसंग में जाना पड़ा तो कपड़े तो ठीक ठाक चाहिए ना। भाभी सुर चल रहे हैं कोई और आप राग अलाप रही है दूसरे बच्चे की, सोचो अभी। क्या भाई साहब, आप भी अब इस उम्र में दूसरे बच्चे के बारे में सोचे? दया मेहता साहब, बच्चे मतलब वो जो बच्चे ऊपर हमारे घर में है ना, उनके बारे में सोचने की बात कर रहे हैं। दूसरे बच्चे, सॉरी भाई, सॉरी। अरे क्या हुआ, ये सब लोग जमा क्यों हो गए? मेहता साहब, क्या किया जेठा ने? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। नहीं नहीं चाचा जी, असल में सारे बच्चे टेलीविजन पे लगातार वो मूंगे बाबा का प्रवचन सुन रहे थे और उस प्रवचन का पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा इन बच्चों पे कि इन्होंने ये कपड़े त्यागने जैसा कदम उठा लिया। मेहता साहब, ये सब है ना इस बबूचक जेठा की वजह से हुआ है। टप्पू को पूरा दिन टीवी में साधु संतों को देखना पड़ता था। ले ले, अबे ले तो जा। बापूजी देखिए, आपको मुझे जितने ताने मारने बाद में मारना, पहले बच्चों को समझाइए ना बापूजी। चाचा जी, टप्पू आपका बहुत सम्मान करता है और आपकी कोई बात नहीं टालता, ये हम सब जानते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप उसे समझाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और अगर टप्पू को समझा दिया तो सोसाइटी के सारे बच्चे वैसे ही मान जाएंगे। आप कुछ करिए ना प्लीज कि वो कपड़े पहन ले ताकि सारे बच्चे अपने अपने वस्त्र फिर से धारण कर लें। ठीक है, मैं टप्पू को समझाता हूँ और लेकर आता हूँ, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा। बाबू जी कपड़े। क्या करे दादाजी, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अरे दरवाजा खोल दिया। अरे बच्चे नहीं आए? बच्चों बाहर आओ। मुझे गोली गोली आ गया। मैंने कहा था ना बापूजी बच्चे लोग को समझा लेंगे। वाह बापूजी वाह। चुप रे, अरे मैंने कहा था ना कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे इन बच्चों को समझाने से पहले तो जेठा तुझे समझने की जरूरत है। क्या? इन बच्चों पे रोक लगाने से पहले तुझे सोचना चाहिए कि उन पे क्या असर होगा। लेकिन बाबूजी। अबे चुप रहने, अबे जेठा बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से। जोर जबरदस्ती करने से बच्चे और बिगड़ जाते हैं। अरे बचपन तो वो उसके जैसा होता है, वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग। हाँ स्प्रिंग जैसा होता है, उसको जितना दबाओगे वो उतना ही जोर से उछलेगा। और बच्चों सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की है। टप्पू तुझे टीवी देखना था इसलिए तूने जो रास्ता अपनाया ना बेटा, वो गलत है। अरे बेटा मनमानी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी की मर्यादा में रहकर की जाए। अरे बच्चों तुम लोग टीवी देखो लेकिन सारा दिन टीवी देखना वो गलत बात है। अरे बेटा माँ बाप तो हमेशा बच्चों का भला ही चाहेंगे। तुम्हारे माता पिता ये चाहते हैं कि तुम लोग टीवी देखो लेकिन उसके साथ साथ उतना ही पढ़ाई में भी ध्यान दो। और इन सब बातों का जब बच्चे ख्याल नहीं रखते तब माँ बाप को बच्चों पे रोक लगानी पड़ती है। चलो बच्चों अपने मम्मी पापा से माफी मांगो।
सबकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैं इन सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। दादाजी, हमने आपकी सारी बातें मानी, सबसे माफी भी मांगी, तो पापा को बोलो ना कि चाइल्ड लॉक खोल दे। क्या बोला? ये क्या बोला? ये था, मैंने अभी क्या समझाया, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है बापूजी। देखो टप्पू, मैं चाइल्ड लॉक खोल दूंगा, लेकिन लेकिन एक शर्त पर, तुम सबको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम टीवी देख सकोगे।